एफ एक्स और जी एक्स ऐसे ही थे, ये ज़्यादा क्लियर है ये वाला, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप देखिए दोनों नॉन जीरो फंक्शंस हैं, ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है। अगर दोनों नॉन जीरो है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स कैसा आएगा, अब हमें यही फाइंड करना है ना, एफ एक्स डॉट जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स, ठीक है, ये क्या आएगा, जीरो आएगा या नहीं आएगा, ये आपको बताना है कि ये जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एफ एक्स जी एक्स अगर आप लेते हैं तो आपके पास जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, जब आप जाएंगे जीरो से वन बाई टू में, वन बाई टू में देखिए, जब आप जाएंगे जीरो से वन बाई टू में तो एक फंक्शन जीरो हो रहा है और एक फंक्शन वन बाई टू माइनस एक्स हो रहा है, एक फंक्शन जीरो हो रहा है और एक फंक्शन वन बाई टू माइनस एक्स हो रहा है। इसको देखिए, दिस इज इस पे जीरो और वन बाई टू माइनस एक्स हो रहा है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। अगला, जब आप जाएंगे वन बाई टू टू वन में, यहां पे ये और ये, जब आप वन बाई टू टू वन में जा रहे हैं तो एक एक्स माइनस टू और दूसरा वाला जीरो दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये भी मिलके क्या हो गया, जीरो, ठीक है। आप भले ही वन बाई टू टू वन में चले जाइए, तो दिस फंक्शन गिव्स यू जीरो, दैट इज जीरो फंक्शन। तो दो नॉन जीरो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, जीरो फंक्शन आ गया, दो नॉन जीरो एलिमेंट को प्रोडक्ट कर रहे हैं, जीरो आ जा रहा है, तो जीरो डिवाइजर है ना, और अगर ये जीरो डिवाइजर है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ठीक है। तो कहे कोई कि रिंग ऑफ फंक्शन इज इंटीग्रल डोमेन और नॉट, सिंपली इज रिंग ऑफ फंक्शंस, रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड ऑल रियल फंक्शन, सिंपली फंक्शंस आर फील्ड, या फिर आप इसको ऑप्शन में कर लो आर और इसको भी हटा लो, ऐसा क्वेश्चन हो गया आपके सामने। पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन दे कमुटेटिव रिंग, चेक करना है बताना है। दूसरा, हैज यूनिटी। तीसरा, हैज जीरो एलिमेंट, ठीक है, हैज जीरो एलिमेंट, ठीक है। अगला आई वी, चौथा देखिए, चौथे में हम कहते हैं कि इस इंटीग्रल डोमेन, पांचवा इस एसक्यू फील्ड, छठवा इस फील्ड, सेवेंथ हैज यूनिट्स। ओके, इतने ऑप्शंस हैं एक क्वेश्चन पे, नॉर्मली एज प्रैक्टिस के लिए अगर ऐसा दिया जाए तो क्या कहेंगे आप इसमें, रिंग ऑफ ऑल रियल फंक्शंस, सभी रियल फंक्शन का रिंग, जितने भी पॉसिबल रियल फंक्शंस हैं सभी को लेकर के अगर रिंग बनाते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो रिंग बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, कि पहले तो रिंग बनने के लिए कंडीशन आर प्लस डॉट है ना, ये ठीक है, आर प्लस और आर डॉट। तो अगर ये रिंग बना रहे हैं, सपोज दिस इज ये रिंग बना रहे हैं अगर, ठीक है, वो तो आप रिंग बना रहे हैं, देखिएगा
कब ग्रुप बनाता है, कब सेमी ग्रुप बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है ना। ग्रुप बनाए, आर प्लस हो तो ग्रुप बनाए, इनफैक्ट एबिलियन ग्रुप बनाए, और आर डॉट हो तो सेमी ग्रुप बनाए, और फिर डॉट जो है प्लस के ऊपर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, तो यही होता है ना इसमें। अब अगर ये कह रहे हैं क्या सभी कम्यूटेटिव रिंग होंगे, तो कोई भी दो फंक्शन लीजिए, जैसे ऐसा देखिए, ये खुद क्लियर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स, साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, एंड आर इसको और सिंपली और छोटा कर लीजिए, एक्स क्यूब कर लीजिए, एक्स क्यूब, ठीक है, ये फंक्शन भी रियल से रियल, ये भी रियल से रियल, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है, टू एक्स का होल क्यूब होगा ना, ठीक है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसको ऐसे लिखिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, टू एक्स क्यूब इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, करिए एफ ऑफ जी निकालिए, 2x का क्यूब आ जाएगा, जी ऑफ एफ निकालेंगे 2x का क्यूब आ जाएगा, दिस इज 8x क्यूब, दिस इज 2x क्यूब, कभी इक्वल नहीं होंगे। तो ये दिखाता है कि रियल फंक्शंस हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होते, और कम्यूटेटिव रिंग के लिए हर एक एलिमेंट कम्यूटेटिविटी होल्ड करना चाहिए सबके साथ, हर एक एलिमेंट के साथ, तो पहला तो गलत हो गया हमारा। दूसरा, हैज यूनिटी, यूनिटी मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, दिस हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, एन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमारे पास जीरो फंक्शंस हैं और कांस्टेंट फंक्शंस हैं, जीरो फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये है ना हमेशा, ये तो हमेशा, ये कहाँ चले गए, ये तो हमेशा होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन है ना कांस्टेंट फंक्शन, बिल्कुल है, किसी से मल्टीप्लाई करिए आप वही आएगा, तो यूनिटी तो है इसमें, जीरो भी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ, जीरो फंक्शन या जीरो ऑफ एक्स, जो भी आप जो भी कहना चाहो, इसको इसको हटा लो, यही कह लो एफ ऑफ एक्स, तो जीरो फंक्शन भी है, जीरो भी है और यूनिटी भी है इसके पास, ये बस सोचने वाली बात थी, तो ये इसके पास यूनिटी है, इसके पास जीरो एलिमेंट है, इंटीग्रल डोमेन है, ये आपको बताना है इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, सोचिए इसका क्या हो सकता है। अभी अभी हमने सॉल्व किया जस्ट पीछे, दो फंक्शन लिए थे और हमने दिखा दिया था कि दो फंक्शन अगर नॉन जीरो है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, अभी पीछे किया था ये, अब ये जीरो फंक्शन दे रहा था, दैट मीन्स एफ एक्स जी एक्स हमारा क्या होगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन, अब तो जीरो से वन में ले ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, सब में जीरो, तो जीरो हो गया, नॉन जीरो फंक्शन जीरो एलिमेंट दे दिए, और अगर ऐसा हो गया तो वहां जीरो डिवाइजर है, अगर जीरो डिवाइजर है तो इंटीग्रल डोमेन क्या है, नहीं है, एक भी जीरो डिवाइजर मिल गया तो स्क्यू फील्ड पे तो जाना ही नहीं है, जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो स्क्यू फील्ड से क्या मतलब, स्क्यू फील्ड क्या होता है, नॉन ट्रिवियल रिंग हैज ऑल एलिमेंट आर यूनिट्स, और जब सभी एलिमेंट यूनिट हो तो यूनिट एलिमेंट कभी जीरो डिवाइजर नहीं होता, हमने देखा था, यूनिट एलिमेंट जब सभी, मतलब अगर ऐसा होता स्क्यू फील्ड में, ठीक है, सभी एलिमेंट यूनिट होते हैं स्क्यू फील्ड में, सभी एलिमेंट यूनिट होते हैं, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या जरूरी कि हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए पहले तो, उसके साथ वन ऑन ऑन टू वन मैप होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबल नहीं है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत नहीं सोचना है, दिस इज पैराबोला, ये सॉरी नॉट दिस, ये इस फॉर्मेट में होगा, दिस इज पैराबोला, जो भी है मतलब ऐसा है ऑन टू, पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट आएंगे नहीं किसी में, माइनस टू के लिए एक्स स्क्वायर होल्ड करेगा, आएगा कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ऑन टू ही नहीं है, वन वन भी नहीं है, कहाँ एक एलिमेंट के लिए एक इमेज, माइनस टू के लिए भी फोर, टू के लिए भी फोर, तो बाइजेक्शन तो है नहीं, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, फेल कर जाएगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया नॉन जीरो जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, यूनिट नहीं है, और उसमें हर एलिमेंट यूनिट होना चाहिए, यहाँ पे एक नॉन यूनिट एलिमेंट मिल गया तो स्क्यू फील्ड भी नहीं होगा, फील्ड होगा, स्क्यू फील्ड ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से होगा, क्योंकि स्क्यू फील्ड ही तो फील्ड होता है ना, जब कम्यूटेटिव हो जाता है तब, हैज़ यूनिट्स, पॉसिबिलिटी है यूनिट्स होंगे, हैज़ यूनिट्स तो यस, यूनिट्स तो होंगे, कुछ फंक्शन तो मिलेंगे जिसके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं ना वाई इक्वल टू थ्री एक्स, हर लीनियर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट हर लीनियर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जब हर लीनियर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, वो यूनिट होगा, हर क्यूबिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ऑब्वियसली होगा, एक्स क्यूब ठीक है उसका भी करता है तो होगा, वन जो भी फंक्शन वन वन ऑन टू है उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पक्का करेगा, तो जिनका करेगा वो तो रहेंगे ना उसमें, सभी रियल फंक्शन करेंगे तो यूनिट तो होंगे, लेकिन सभी यूनिट नहीं होंगे। तो ये आपका टोटल कंक्लूजन रहा अब तक के जितने भी रिंग के बारे में हमने लेक्चर्स पढ़े, उसमें उस सारांश कहते हैं ना जिसे, छोटे में सारा कुछ, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए इन चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात पे एग्जांपल पे हमने फंक्शंस के एग्जांपल उठाए, एलिमेंट या नंबर्स के एग्जांपल नहीं उठाए, ठीक है, तो ये मैटर करता है कि आप एग्जांपल्स कहाँ से उठाते हो। और कोशिश करिए कि खन्ना भामरी तो ठीक है, गैलियन पढ़िए, ठीक है, खन्ना भामरी भी बेहतर है, तो ये आपको बहुत काम करेगा। और इस पे सोचना ही एकमात्र तरीका है इसको ग्रिप में लाने का, अगर आप सोचेंगे नहीं, इस पे आप मंथन नहीं करेंगे तो ये ग्रिप में नहीं आने वाला, ठीक है, आप रट सकते हैं, बहुत से बहुत रट सकते हैं इसको, रटने से नहीं होता है, बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला रटने से, आज तक नहीं मिला है किसी को, बस वही, अपने साथ भी वही था, लगभग बीएससी बीतने वाला था, 3 साल का कोर्स होता है जो, तो पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, और हम लोग समझने की प्रोसेस में अभी एंट्री किए थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ही आसान है तुरंत आ जाएगा, लेकिन कॉन्टीन्यूअसली जिसने भी वर्क किया, हमारे साथ के जितने भी लोग थे जो कॉन्टीन्यूअसली वर्क किए, उनको थोड़ा पहले समझ में आया था, हम लोगों ने थोड़ा सा अपना टाइम लैग किया तो थोड़ा देर बाद समझ में आया, जब काम करना शुरू करेंगे समझ में आएगा, ठीक है, तो टाइम लेता है, तो टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है, और एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको हायर मैथमेटिक्स में बहुत मज़ा आने लगेगा, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितने भी कैलकुलस के टॉपिक्स हैं, कैलकुलस के कैलकुलेशन जितने भी हैं, उनका मोटिव पता चल जाएगा, उनका ओरिजिन पता चल जाएगा कि इसलिए ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। 11th 12th में आप जितने भी फंक्शंस पढ़ते हैं, मैक्सिमम फंक्शंस उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, LT होते हैं, ठीक है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही मैट्रिक्स को डिजाइन करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे फिर फंक्शंस के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, और फंक्शन के जस्ट बाद वहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स होती हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आप उठाइए देखिए कभी जो कॉन्टेंट्स होते हैं उसके, तो वो चीज़ें हैं, तो रीजन्स पता चलेंगे, जब रीजन पता चलना शुरू होता है किसी चीज़ का तो मज़ा आता है, ठीक है, फिर ये आप नहीं सोचते कि इसका उपयोग क्या है लाइफ में, क्या करेंगे इसका, जैसे लोग क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं ना कि क्या यूज है इसका, क्यों करें, तो भैया आप पब्लिकली क्यों कह रहे हैं कि क्यों करें, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इंटीग्रल डोमेन को जान के, आपको नहीं पता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है, आप उस स्तर तक नहीं सोचे हैं तो आपको नहीं पता है, और जब आपको नहीं पता है तो आप पब्लिकली जाके बोल रहे हैं कि इसका करेंगे क्या, दुनिया बहुत बड़ी है और इन चीज़ों से बहुत कुछ हो रहा है, पूरी फिजिक्स इस चीज़ पे चलती है, पूरा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स डिजाइन होते हैं इसी चीज़ पे, ऑर्बिट्स, इवन जितने भी ऑर्बिट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, स्पेशल डिजाइंस होती हैं, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, तो जब वहाँ भी ऑर्बिट्स की बात आती है, उन ऑर्बिट्स के लिए मैथमेटिकल ऑर्बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ऑर्बिट स्टेबलाइजर इन चीज़ों का स्ट्रक्चर बनाने में यूज होता है, एटलीस्ट आपको आइडिया देते हैं, मैथमेटिकल टूल्स देते हैं जिससे आप बना पाओ, ठीक है, तो ये कह देना पब्लिकली कि ये पढ़ के क्या क्या फ़ायदा मिल गया, ठीक है, आप केवल और केवल प्रैक्टिकल स्टडी ही लाइफ की टोटल स्टडी नहीं होती है,
केवल और केवल थियोरेटिकल स्टडी ही लाइफ की टोटल स्टडी नहीं होती है, हमें दोनों को ही लेके चलना होगा, दोनों को कंबाइन करना होगा। अगर हम कंबाइन और बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर ख़त्म है, चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। सीधे नकार देना और सीधे एक्सेप्ट कर लेना, दोनों में ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मतलब एक्सेप्ट डायरेक्टली उसको नेगेट कर दे रहे हैं, नेगेशन में डाल दे रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं है, और सीधे एक्सेप्ट भी कर ले, तो दोनों ही चीज़ें। इस देश में प्रॉब्लम ये है कि लोग एक्सट्रीम पे चलते हैं, एक्सट्रीम पे होना उनको अच्छा लगता है कि हम एकदम किसी चीज़ के एक्सट्रीम पे रहें, बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो बैलेंसवादी बनिए, संतुलनवादी बनिए, चीज़ें बेहतर रहेंगी, फ्लैक्सीबल बनेंगे, और फ्लैक्सीबल बनेंगे तो इनका मतलब समझ में आएगा, जीवन में भी इसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि दो ऐसे दोस्त ना मिले जो आपका कॉन्फिडेंस मिलके ज़ीरो कर दें। उनका तो अपना ज़ीरो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो मिलके आपके ऊपर ज़ीरो डाल दे रहे हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक एनालॉजी फॉर इंटीग्रल डोमेन। ऐसा कुछ मैं दोस्तों के बारे में बुरा नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ ऐसे लोगों के बारे में कह रहा हूँ। फिलोसॉफिकली चीज़ें समझ में आएंगी, भले आप एक्सप्रेस कम कर पाए शायद, लेकिन आपको महसूस होगा, ठीक है। और बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे इससे आप, बहुत कुछ देता है ये। हायर मैथमेटिक्स मतलब यूजलेस नहीं है, और यूजफुलनेस की बात करेंगे तो भाई बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो पढ़िए, ट्राई करिए, बेहतर करेंगे आप, ये उम्मीद है आपसे, और हम भी कुछ बेहतर करें अपनी तरफ से, आप भी हमसे ये उम्मीद रख सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।